अस्सलाम वालेकुम इनकोटेंट टॉक फ्रॉम जर्मनी। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत मज़े और सुकून से गुजर रही होगी। आज की मेरी वीडियो इन डिमांड है, जिसमें मैं आज जर्मनी में एम फॉर्म यानी मास्टर्स इन फार्मेसी को स्पेशली फोकस करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जर्मनी अपने हेल्थ सिस्टम की रिलायबिलिटी की वजह से बहुत फेमस है, तो यहाँ पे ओवरऑल मेडिकल फील्ड की स्टडीज़ और जॉब फील्ड में डिमांड दोनों ही ज़्यादा हैं। मास्टर्स इन फार्मेसी के लिए आपके पास डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के फील्ड्स मौजूद हैं, जिसमें क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी जैसी फील्ड्स शामिल हैं। एक बात जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में। जर्मनी में यूजुअली मेडिकल फील्ड में आने के लिए आपको प्रॉपर जर्मन लैंग्वेज ना सिर्फ सीखनी होगी, बल्कि इसको बकायदा तौर पर लैंग्वेज सर्टिफिकेट के साथ प्रूफ भी करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फार्मेसी और मेडिकल फील्ड में ट्यूशन फ़ी भी है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली उन यूनिवर्सिटीज़ को फोकस कर रही हूँ जहाँ आपके लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही ट्यूशन फ़ी। तो चलिए चल के देखते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट और इसमें ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट को। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। नंबर वन पे मैं बात करूंगी हाइनरिश हाने यूनिवर्सिटी के बारे में, जो जर्मनी के शहर डुसेलडॉर्फ में वाक़ है। इस यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डिग्री ऑफर हो रही है। एज आई सेड, इस यूनिवर्सिटी में ना ही जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है और ना ही इसकी कोई ट्यूशन फ़ी है। अलबत्ता इसके लिए आपको आइल्स या टॉफल के रिक्वायरमेंट को ज़रूर पूरा करना होगा, जिसके अंदर अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका बैंड 6 या टॉफल विद 80 पॉइंट्स ज़रूरी हैं। ये स्टडी प्रोग्राम सिर्फ विंटर सेमेस्टर के लिए है, जिसका एप्लीकेशन टाइम फ्रेम 1 मई से 15 जुलाई तक के लिए है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, इस प्रोग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। अब चलते हैं सेकेंड यूनिवर्सिटी की तरफ, जिसका नाम है फ्राई यूनिवर्सिटी, जो कि जर्मनी के शहर बर्लिन में वाक़ है। यहाँ पे मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस की डिग्री ऑफ़र की जा रही है, जिसको जर्मन जबान में फार्मासोइटिशे फोर्शुंग भी कहा जाता है। यह डिग्री समर और विंटर सेमेस्टर दोनों में ऑफ़र हो रही है, जिसमें विंटर सेमेस्टर की डेडलाइन 24 अप्रैल से लेकर 31 मई तक है और समर सेमेस्टर की डेडलाइन 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक है। For further information about this study program, please check the program link below. अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे जाने से पहले इस स्टडी फील्ड में या किसी भी स्टडी फील्ड से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू पीपल एंड गाइड यू अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। इसके बाद थर्ड नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है होकशुले बॉन राइनजीग, जो कि राइनबाख में वाक़ है। इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन बायोमेडिकल साइंसेज की डिग्री ऑफ़र हो रही है। ये डिग्री भी विंटर सेमेस्टर में ऑफ़र की जा रही है, जिसमें नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन की डेडलाइन 1 मार्च है। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू पीपल। ये तो थी 3 एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटीज़ जहाँ ना जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी और ना ही कोई ट्यूशन फ़ी। इसके अलावा जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी मैं अपनी वीडियोस का लिंक यहाँ नीचे शेयर कर रही हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू पीपल। मेरी ये वीडियोस उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मेडिकल की फ़ील्ड में, स्पेशली फार्मास्यूटिकल की फ़ील्ड में आना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।